जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर और एग्जामपुर पर। हमें एग्जामपुर, कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी सपनों की क्लास में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एक भी दिन अगर आपने अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर ली तो शायद कोई और स्टूडेंट उस दिन पढ़ के आपसे आगे निकल जाएगा। तो चाहे त्यौहार हो या कोई छुट्टी का दिन हो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान जरूर दें। एक भी दिन अगर हम ढीले पड़ जाएंगे तो कोई और मेहनत करके हम सबसे आगे निकल जाएगा। तो ये क्लास रोज सुबह आपकी 11 बजे होती है, जिसका पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात करते हैं आज के मॉडल पेपर की। पिछली बार जो मॉडल पेपर कराया था उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था और आज का मॉडल पेपर भी आपका ऐसा ही है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन देखो क्या कह रहे हैं। In the following questions, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. आपको बताना है, जब ऐसा direction मिलता है, इसका मतलब होता है कि आपको sentence में word का क्या बताना है? Synonym. कई बार single word भी मिल सकता है, कई बार आपको sentence में भी मिल सकता है, ठीक है? तो पहला question आपसे क्या कह रहा है? Nexus. एक company का नाम भी है और Nexus का आपको बताना है कि इसका synonym क्या होगा। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कनेक्शन, डिस्टेंस, डेफिसिट और डिफरेंस। ऑप्शन थोड़े से आसान है, वर्ड जरूर आपके लिए नया होगा, वर्ड जरूर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जिन ऑप्शंस की बात हम कर रहे हैं, जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो एकदम से सिंपल है। देखो, नेक्सस का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, कनेक्शन इसका एक सिनोनिम के तौर पर देखा जा सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंस की तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा या कमी। अगर हम बात करें डिस्टेंस तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस मींस क्या होता है? दूरी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेक्सस का मीनिंग होता है जब हम किसी को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो यही आपका यहां पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है मेमोथ, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्ट्रेट, ह्यूज, वाइल्ड और ग्रीडी। इसके भी ऑप्शन आपके लिए आसान है और आपको देखना है कि इसके जो जवाब आप देंगे वो भी कोशिश करके सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट, ह्यूज, वाइल्ड और ग्रीडी। तो देखो, अगर मेमोथ की बात करें तो इसका मतलब होता है जो चीज बहुत बड़ी होती है, विशाल, ह्यूज, विशाल कह सकते हैं, बहुत बड़ा कह सकते हैं, जो कि आपका यहां पर मीनिंग बन जाएगा। आंसर फिर क्या हो जाएगा? ह्यूज। स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट का मतलब सीधा, ठीक है। वाइल्ड मतलब जंगली, ग्रीडी कहते हैं लालची को, ग्रीडी किसे कहते हैं? लालची। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ह्यूज इज राइट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरबोल, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, एक्सपेंशन, इमिटेशन, डेकोरेशन और एग्जैगरेशन। ये आपने खूब बचपन में, जब हम लोग 9th और 10th में हुआ करते थे, तब इस तरह के वर्ड्स खूब यूज कराए जाते थे। हम लोगों को हिंदी में अलंकार पढ़ाए जाते थे, इंग्लिश में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते थे और उन्हीं से रिलेशन इनका होता था। तो देखो, हाइपरबोल की अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, ठीक है, ज्यादा बोलना, या हम कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ज्यादा बोलना या फिर बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइपरबोल का यूज करते हैं। तो ये एग्जैगरेशन क्या हो जाएगा? एग्जैगरेशन आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन का मतलब भी होता है बढ़ाना। इमिटेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है नकल करना, इमिटेशन मीनिंग क्या होता है? नकल करना। डेकोरेशन की बात करें, सजावट करना, डेकोरेशन का मतलब क्या हो जाता है? सजावट करना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एग्जैगरेशन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इयोलॉजी। इयोलॉजी का आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन है अपोलॉजी, ऑप्शन है एड्रेस, स्पीच और प्रेज। इयोलॉजी का आपको बताना है कि इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। एंड योर ऑप्शंस आर अपोलॉजी,
एड्रेस, स्पीच और प्रेज। ईओलॉजी की अगर हम बात करें तो ईओलॉजी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तारीफ करना। या अब ऑप्शन तो मिल गया आपको, तो आंसर भी बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होगा? प्रशंसा करना या तारीफ करना, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अपोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब होता है माफी मांगना, अपोलॉजी मतलब माफी मांगना। एड्रेस जानते ही हो, पता, और स्पीच कहते हैं भाषण को। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रेज आपका यहां पर सही आंसर होगा। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज मीनिंगसिंगली, ठीक है? ऑप्शंस आर डेंजरसली, थ्रेटनिंगली, हार्मफुली और हाइडियसली। ऑप्शन आसान है, सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। मीनिंगसिंगली इसका आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। एंड योर ऑप्शंस आर डेंजरसली, थ्रेटनिंगली, हार्मफुली और हाइडियसली। देखो इसका मतलब होता है जब हम किसी को धमकाते हैं, किसी को धमकाना, किसी को बड़ी एकदम तगड़ी वाली धमकी देना, उस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा थ्रेटनिंगली। इसका मतलब भी क्या होता है? धमकी देना, किसी को धमकाना, इस सेंस में हम इसका यूज किया करते हैं। डेंजरसली मतलब खतरनाक, खतरनाक तरीके से। हार्मफुली मतलब नुकसानदायक, नुकसानदायक तरीके से। हाइडियसली मतलब छिपाना, हाइडियसली मतलब वही हाइड वाला वर्ड है। तो ये सारे ऑप्शन आसान थे। इन सब के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके एडवर्ब हैं। इन सब का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब होगा, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़े, आगे आपके सामने है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में से हम कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है? देखते हैं क्या है पहला शब्द। पहला शब्द है इम्पीकेबल। इम्पीसेबल का बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है फॉल्टी, टेडियस, फ्लैसी और बोरिंग। ऑप्शन थोड़ी सी आसान है इसके। फॉल्टी जो गलती करता हो, टेडियस थकाऊ, फ्लैसी मतलब उड़ता हुआ या हम कह सकते हैं हल्का फुल्का, या बोरिंग जिसमें हम कह सकते हैं जिस चीज में हम उबाऊ फील कर रहे हो। तो देखो इम्पीकेबल का मतलब होता है बिना गलती के, स्वच्छ, सफाई से, सफाई से, या हम कह सकते हैं बिना गलती के। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा फिर फॉल्टी। फॉल्टी मतलब गलती करना। फॉल्टी मीनिंग क्या हो जाता है? फॉल्टी मीन्स गलती करना, ठीक है? टेडियस की बात करें तो इसका मतलब होता है थकाऊ। फ्लैसी की बात करें तो इसका मतलब होता है हल्का। बोरिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है उबाऊ, मतलब जिसमें हम अच्छा इंटरेस्टिंग फील ना करें, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा हो, उस सेंस में इस बोरिंग वर्ड का यूज किया करते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन अमलगमेट। अमलगमेट का भी आपको एंटोनिम बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर सेपरेट, योर ऑप्शंस आर कंबाइन, योर ऑप्शंस एसिमिलेट और इंटीग्रेट। ये आपके ऑप्शन है। अमलगमेट का सही जवाब आपको देना है। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। अमलगमेट की बात करें तो अमलगमेट का मतलब होता है मिश्रण बनाना, मिश्रण बनाना, या हम कह सकते हैं मिलाना, मिश्रण बनाना, या फिर हम कह सकते हैं मिलाना। तो क्या हो जाएगा? सेपरेट का मतलब हो जाता है अलग करना। सेपरेट मीनिंग क्या हो जाता है? अलग करना। कंबाइन की बात करें तो इसका भी मतलब होता है जोड़ना। एसिमिलेट का बात करें तो इसका मतलब हो जाता है घोलना। इंटीग्रेट का मतलब भी होता है एक करना, जोड़ जोड़कर किसी को हम एक कर दें, उस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेट का यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा
वो आंसर आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जेनिथ। जेनिथ का भी आपको क्या बताना है, इसका भी आपको सुटेबल एंटोनिम बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर क्लाइमेक्स कह सकते हैं, क्राइसिस कह सकते हैं, एक्मे कह सकते हैं और नेडिर कह सकते हैं। ये भी आपने खूब सॉल्व किया होगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार ये वर्ड आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अगर हम जेनिथ की बात करें तो जेनिथ का मतलब क्या होता है, ऊंचा। और नेडर की बात करें तो नेडर का मतलब होता है नीचा। क्लाइमेक्स की अगर हम बात करें, क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं जब हम जिसे कहेंगे कि रिजल्ट आने वाला हो, रिजल्ट की बात करेंगे, निष्कर्ष। क्राइसिस कहलाता है संकट। क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है, संकट जब आते हैं उसको हम कहते हैं क्राइसिस। और एक्मे की बात करें तो एक्मे भी होता है साधारण कहते हैं, एक वर्ड एक्ने और होता है, और एक्ने का मतलब आप सब लोग जानते हो कील मुहासे जो हो जाते हैं ना, उसे हम एक्ने कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इनफ्लक्स, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है रिफ्लेक्स, डिफ्लेक्शन, एफ्लुएंट और एक्सोडस। इनफ्लक्स का आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो अगर हम बात करें इनफ्लक्स की तो इनफ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करना, या हम कह सकते हैं जलाना। तो एक्सोडस की बात करें तो एक्सोडस का मतलब हो जाता है बुझाना, या हम कह सकते हैं बंद करना, बुझाना या फिर बंद करना। रिफ्लेक्स की बात करें तो परावर्तन, ठीक है। डिफ्लेक्शन की बात करें तो पथ भ्रष्ट करना, मार्ग से हटाना। और एफ्लुएंट की बात करें तो एफ्लुएंट का मतलब होता है EFFLUENT, इसे हम कह सकते हैं प्रभावी। जब कोई चीज हमारी कैसी होती है, इफेक्टिव होती है, उस सेंस में इस वर्ड का यूज किया करते हैं। ये सारे वर्ड्स और इनके ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। भले ही आप कहीं त्योहार में बिजी हो या फिर अपने घर में खुशियां मनाने में बिजी हो, बट अगर जब भी आपको टाइम मिले आज से लेकर कल, तो इस सेशन को एक बार देखें और दूसरों को भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठाएं। ठीक है, एक्सोडस आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, ऑर्डरली। ऑर्डरली का भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम। ऑप्शन है सिमिटिक, कोलिक, डेमोक्रेटिक और क्योटिक। ऑर्डरली का एंटोनिम देखो, ऑर्डरली का मतलब होता है जब हम किसी काम को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से करते हैं। कैसे, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डरली। तो क्योटिक हो जाता है इसका एंटोनिम, जिसका मतलब क्या हो जाता है, जिसका मतलब होता है अव्यवस्था फैली हो इधर उधर, या अव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, सिमेटिक की बात करें तो शब्दों को जोड़ना, कोलिक की बात करें तो इसका मतलब भी जोड़ना, डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक मीनिंग क्या होता है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक हो जाता है। आगे आपके सामने है डायरेक्शंस चेंज हुआ है और अब आपको बताना है जो इडियम्स फ्रेज है, जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, उनके मीनिंग बताने हैं। इडियम फ्रेज मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जो लोगों के द्वारा वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो लोगों के द्वारा शब्दों को बहुत ज्यादा बोला जाता है, उसके लिए यूज करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्वेश्चन क्या है, राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्रिंड। राम जो है वो बहुत ही कैलकुलेटिव है और हमेशा क्या करता है, हैज एन एक्स टू ग्रिंड। इसका मतलब आपको बताना है जो ब्रैकेट में बंद है। ऑप्शन है हैज नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं होता किसी चीज का। वर्क्स फॉर बोथ साइड, दोनों पक्षों की तरफ काम करता है। हैज अ प्राइवेट एजेंडा, उसके पास एक प्राइवेट एजेंडा होता है। या हैज फेल्स टू अराउज इंटरेस्ट, किसी काम में इंटरेस्ट लेवल उसका नहीं बढ़ता है। तो ये भी मैंने आपको जब पहला मॉडल पेपर आपको कराया था मैंने, तब मैंने पहले मॉडल पेपर में इस तरह की चीजें आपके सामने रखी थी। तो इसका मतलब हो जाता है हैज एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब
उसके पास अपना एक प्राइवेट एजेंडा होता है, हर चीज का एक व्यक्तिगत एजेंडा होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्राइवेट एजेंडा, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है, किसी की सुनी हुई बात, किसी की कही हुई बात से नहीं, अपने अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं हैज अ प्राइवेट एजेंडा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक। पुलिस ने हर जगह उसको खोजने का प्रयास किया, पुलिस ने हर जगह उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, ड्रू अ ब्लैंक। ऑप्शन है डिड नॉट फाइंड हिम, उसको पुलिस ढूंढ नहीं सकी, पा नहीं सकी, पुट हिम इन प्रिजन, उसको जेल में डाल दिया, अरेस्टेड हिम, उसको गिरफ्तार कर लिया, या टुक हिम टू कोर्ट, उसे कोर्ट ले गए। ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ड्रू अ ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली हाथ रह जाना। हालांकि पुलिस ने कोशिश तो बहुत की, पुलिस ने खोजबीन तो बहुत की, पुलिस ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन वो खाली हाथ रह गए, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट फाइंड हिम, उसे ढूंढ नहीं पाए, मिल नहीं पाए पुलिस वालों को, तो ये सवाल का जवाब हो गया डिड नॉट फाइंड हिम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। शादी के सवाल पर या शादी के मुद्दे पर सरिता क्या करती है, पुट हर फुट डाउन, स्टूड अप, खड़ी हो जाती है, वाज फर्म, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बोलती है, गॉट डाउन, गिर जाती है, छोड़ देती है, या वॉक्ड फास्ट, तेजी से चलने लगती है। शादी के सवाल पर क्या होता है, पुट हर फुट डाउन, पैरों को मजबूती से खड़ा कर लेना, पैरों को मजबूती से, या हम कह सकते हैं किसी चीज का बड़ी मजबूती के साथ विरोध करना, अपोज करना, तो यही आंसर है वाज फॉर। ठीक है, नेक्स्ट, हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसने उसकी हेल्प की है मेक अ किलिंग, मेक अ किलिंग का मीनिंग बताना है। ऑप्शन है लूज मनी क्विकली, तेजी से उसने अपने पैसे को गवा दिया, प्लान अ मर्डर क्विकली, एक मर्डर प्लान किया तेजी से, मर्डर समवन क्विकली, किसी का तेजी से मर्डर कर दिया, या मेक मनी क्विकली, या तेजी से पैसा कमाया। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाते हो, तो इसका फायदा क्या होता है कि आपको दुगनी तेजी से पैसा वापस भी मिलता है, तो क्या हो जाता है, मेक मनी क्विकली, तेजी से पैसा बनता है, तेजी से पैसा तैयार होता है, तेजी से पैसा मिलने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज। नो गेन सेइंग, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है इग्नोरिंग, हाइडिंग, फॉरगेटिंग और डिनाइंग, तो नो गेन सेइंग का मीनिंग बताएं। ऑप्शन क्या है, इग्नोरिंग, नकारना किसी चीज को, हाइडिंग, छिपाना, फॉरगेटिंग, भूलना, या डिनाइंग, मना करना। तो इग्नोर का मतलब क्या हो जाता है, नकारना, हाइडिंग मतलब छिपाना, फॉरगेटिंग मतलब भूलना, और डिनाइंग का मतलब हो जाता है मना करना, और यही आपका मतलब है। देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज, इस चीज में किसी भी तरह से मना नहीं किया जा सकता कि देश जो है वो मुसीबत में है, जो हमारी कंट्री है वो डिफिकल्टीज में है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, राइटिंग वर्स इज एज डक टेक्स टू द वॉटर, ऐसे हैं जैसे कि बतख को पानी से उठा लेना, तो लाइक टेकिंग द डक टू वॉटर, पानी में बतख को छोड़ना, लाइक वर्स्टिंग आउट सडनली, तेजी से बाहर निकलना, लाइक ड्रॉपिंग द डक इन द वॉटर, पानी में बतख को छोड़ देना, या लाइक इजली एंड नेचुरली स्पीकिंग, किसी चीज के बारे में नेचुरली और आसानी से बोलना। तो देखो, किसी के लिए लिखना बिल्कुल ऐसा है जैसे बतख को पानी में छोड़ना, बतख को पानी में छोड़ना या बतख का पानी में तैरना, भाई बतख की जिंदगी बनती है पानी में उसकी जिंदगी गुजरती है, और जिस चीज से हमारी लाइफ बनती है उसी उसके लिए तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो लाइक इजली एंड नेचुरली स्पीकिंग मतलब बड़ी आसानी से किसी काम को कर डालना, बड़ी सिंपली किसी काम को कर डालना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाइक इजली एंड
नेचुरली स्पीकिंग, ये आपका एक सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें, ही मेड माई डे बाई टेलिंग मी हाउ इंपॉर्टेंट आई वॉज टू हिम, उसने ये बताकर मेरा दिन बना दिया कि मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं। तो गिव मी अ ग्रेट प्लेजर, बहुत ज्यादा संतुष्टि सुख दिया, डिस्प्लीज मी नाखुश किया, डिस्प्लीज मी मतलब नाखुश किया, स्पॉइल्ड माई डेज दिन बर्बाद करना, दिन को बर्बाद करना, या मेड बी रिसेंटफुल हमें पछतावे में छोड़ दिया। तो देखो मेड माई डे का मतलब क्या हो जाता है, गिव मी ग्रेट प्लेजर, बहुत सुख दे दिया, बहुत बड़ा सुख दे दिया, बहुत खुशी दे दी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने, ही मेड अवे विद 10,000 रुपीज इन द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स, इसने 3 मंथ के समय में कितना पैसा लगाया, 10,000, अर्नड कमाना, रन अवे विद भाग्या, स्क्वेंडर्ड की बात करें ठगना, या सेव्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेड अवे विद, तो मेड अवे विद की बात करें इसका मतलब होता है भाग जाना, लेकर किसी चीज को चले जाना। 3 महीने में कितना पैसा ले गया, 10,000 रुपए ले गया। ठीक है, थक के भाग गया, तो आंसर क्या हो गया, बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्टूडेंट्स ऑफ दैट ग्रुप हैज एश्योर्ड देयर प्रोजेक्ट गाइड दैट दे विल ऑल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, स्टूडेंट्स ने ग्रुप के ये बात निश्चित की कि द देयर प्रोजेक्ट गाइड दैट वे दे विल ऑल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, उनका समय पर काम पूरा हो जाएगा क्योंकि वो अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहे हैं। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, जिस दिन आपको याद होगा इडियम्स फ्रेज का स्पेशल सेशन लाई थी ना, उस दिन मैंने आपको ये कराया था। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या है, वर्क विद विगर, मतलब बहुत जोश जुनून के साथ काम कर रहे हैं और समय से पहले वो काम खत्म हो जाएगा, बहुत ही जोश और जुनून के साथ काम कर रहे हैं और समय से पहले वो काम खत्म हो जाएगा। तो वर्क विद विगर टू फिनिश इन लिमिटेड टाइम। वर्क अगेंस्ट क्लॉक का मतलब होता है कि जो डेडलाइन दी गई है, जो तय समय आपको दिया गया है, उससे पहले आप इस काम को कर डालें, उससे पहले आप इस काम को खत्म कर लें, उस सेंस में यूज करते हैं। तो वर्क विद विगर टू फिनिश द लिमिटेड टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करें, टू लेट ऑफ स्टीम माई फ्रेंड स्टार्टेड मर्मरिंग, मर्मरिंग का मतलब होता है भिनभिनाना, या हम कह सकते हैं फुसफुसाना, भिनभिनाना या फुसफुसाना। टू लेट ऑफ स्टीम, लेट ऑफ स्टीम का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन क्या है, टू रिलीज हिज टेंशन, अपनी टेंशन को खत्म कर देना, टू शो हिज एंगर, अपनी गुस्से को दिखाना, टू शो हिज अप्रूवल, अपने अप्रूवल नियुक्ति को दिखाना, या टू शो हिज डिस्प्लेजर, अपने जो असंतुष्टि है, जो दुख है, उसको दिखाना। तो अगर हम बात करें लेट ऑफ स्टीम, तो इसका मतलब हो जाता है अपने, मतलब स्टीम निकलती है ना, भाप छूट जाती है, दूरी बना लेती है, तो वही कंडीशन आती है टू रिलीज हिज टेंशन। क्या हो जाता है, टू रिलीज हिज टेंशन, मतलब अपने जो अपने मन की टेंशन है, जो उदासी है, जो परेशानी है, उसे रिलीज कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपके सामने डायरेक्शन चेंज हुआ है और चेंज हुआ डायरेक्शन आपसे कह रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। सेंटेंस में एक पार्ट को ब्रैकेट में बंद कर दिया गया होगा और वो ब्रैकेटेड पार्ट ही आपका कैसा होगा, ब्रैकेटेड पार्ट ही आपका गलत हो सकता है, उस गलत को आपको सही करना है। पहला सवाल क्या है, द शिप रेन ओवर वेन इट क्रैश इन टू एन आइस वर्ग, जो शिप था ना, पानी का जहाज था, क्रैश हो गया जब वो एक आइस वर्ग से टकराया, आइस वर्ग पर चल रहा था, तो रेन ओवर में कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन आपके पास है गॉट ओवर, गेव अप, वेंट डाउन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है, इनके मीनिंग नहीं बताने, इसमें कोई गलती हो सकती है, वो गलती आपको सही करनी है। द शिप रेन ओवर, रेन ओवर का मतलब होता है दौड़ना, भागना, जबकि यहां पर ये वर्ड जो आया ना क्रैश, ये बता रहा है कि जहाज नष्ट हो गया है, टूट गया है, जहाज क्रैश हो गया है। ठीक है, तो बेंट डाउन हो जाएगा, क्योंकि गो डाउन का मतलब क्या हो जाता है, नीचे गिर जाना या खत्म हो जाना,
बर्बाद हो जाना, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वेंट डाउन। चूंकि यहां पर टेंस आपका अलग तरीके से है, तो गो डाउन इसका रियल वर्ड होता है, कॉमन वर्ड होता है। यहां वेंट डाउन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया। अगला क्वेश्चन, हिज वाइफ वाज कॉन्शियस कंटेंशियस, हिज वाइफ वाज कंटेंशियस। तो ये कंटेंशियस का मतलब क्या है, कॉन्टेजियस कर लें, क्वेरलसम कर लें, कंटेंट कर लें, या नो इंप्रूवमेंट। दरअसल इस कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू, जब किसी की आदत कैसी होती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली, तो क्वेरलसम यहां पर इसका रिप्लेसिंग वर्ड हो जाएगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का, जिसकी वजह से लड़ाई होती रहे या जो खुद भी लड़ाई करता रहे, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम कंटेंशियस या कह सकते हैं क्वेरलसम। हिस्टोरियंस फील देयर इज एन अर्नेस्ट नीड फॉर द रिव्यू ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एवरी 5 years एंड द रिविजन ऑफ द सेम एवरी 10 years। इसमें तो कहीं पर भी इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन ही नहीं दिया गया है। हिस्टोरियंस फील देयर इज एन अर्नेस्ट नीड फॉर द रिव्यू ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एवरी 5 years एंड द रिविजन ऑफ द सेम एवरी 10 years। तो ये जो आपका आया ना एन अर्नेस्ट, इसमें कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन है इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब आदेश देना, ये आदेश है हिस्टोरियंस को कि हर 5 साल में किताबों को रिवाइज किया जाए। इंडिस्पेंसिबल, छिपा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अर्जेंट, आवश्यक, या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा था। एन अर्नेस्ट नीड का मतलब है जरूरी चीज, आवश्यक। और ये आवश्यकता देखो जिस तरह के हम लोग आजकल माहौल में रह रहे हैं, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो बुक्स को भी अपडेट करना चाहिए। आपने देखा होगा रिवाइज्ड एडिशन, अपडेटेड एडिशन बुक्स के आते जाते रहते हैं, तो वही बात की गई कि बुक्स को अपडेट करते रहना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका सही लिखा हुआ है। अगला है, माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। ऑप्शन है आउट, इन, डाउन, और नो इम्प्रूवमेंट। माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। ऑप्शन है आउट, इन, डाउन, या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो ब्रेक डाउन होता है एक वर्ड, जिसका मतलब होता है रास्ते में खराब हो जाना, ब्रेक डाउन, जिसका मतलब क्या होता है, खराबी आना, किसी चीज में क्या आ जाए, खराबी आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन, ये आपका यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रीडम इज अ वंडरफुल थिंग फॉर जिम्मी वॉज ईगर टू एक्सपीरियंस इट। फ्रीडम इज वंडरफुल थिंग, जो फ्रीडम है, आजादी है, वो एक बड़ी अच्छी चीज है। फॉर जिम्मी वॉज ईगर टू एक्सपीरियंस इट, और जिम्मी चाहता था कि उसको भी इसका एक्सपीरियंस हो, उसको भी इसका फायदा देखने को मिले। कई बार क्या होता है कि जिन चीजों से हम कभी गुजरे नहीं होते हैं, उनसे गुजरने के लिए हमारे अंदर बहुत क्यूरियसिटी रहती है, बहुत उत्सुकता रहती है। तो देखो फॉर में कोई गलती हो सकती है, उसे इंप्रूव करना है, और ये हो जाएगा एंड, क्योंकि यहां पर एक सेंटेंस को ऐड किया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या कहते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि भाई जिम्मी को फ्रीडम इज वंडरफुल थिंग, फ्रीडम एक बड़ी अच्छी चीज है, और जिम्मी इसका आनंद लेना चाहता है, जिम्मी इसको एंजॉय करना चाहता है। तो सही जवाब क्या है, एंड। देखो दो तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, आपस में विरोधी बात की जाती है, हम कुछ कह रहे हैं उसका अपोजिट कोई दे दिया जाए, उस सेंस में कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। और यहां पर व्हाट करोगे वो भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले तो दोनों है नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, एंड, क्योंकि यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, जिसमें चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट, सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड टू विशिएट द पब्लिक टेस्ट। इसका मीनिंग बताना है,
इसको चेंज भी कर सकते हो, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टॉर्ट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ये अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, सॉर्टेड एंड सेंसेशनल बुक्स। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज में एकदम से लहर सी आ जाए, लोगों के सामने एकदम ट्रस्ट हो जाए, लोगों का विश्वास जुड़ जाए। एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट। अब जब ऐसी चीजें आती हैं तो लोगों का ध्यान भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकना। भाई आपके सामने एकदम से आपको आकर्षित करने वाली कोई चीज आ जाए, जिसमें आप बड़ी तेजी से आकर्षित हो जाए, जिसमें आप बड़ी तेजी से इंप्रेस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में ध्यान भटकना कहेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में? ध्यान भटकना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाय स्टडींग इट्स हैज एंगेज्ड मेनी रिसर्चेस इन द लास्ट डिकेड्स। जो ये बीमारी की बात की गई, इसके बारे में पिछले दस सालों में बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है। तो बाय स्टडींग में क्या कर सकते हो? इंपॉर्टेंट स्टडी, नाउ दैट द स्टडी ऑफ, या नो इम्प्रूवमेंट। आज आपको इस चीज का फायदा भी लग रहा होगा कि अगर आपके कमेंट्स ना देखे जाए और कमेंट्स पर फोकस ना हो तो क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। बाकी ज्यादातर जो हमारा ध्यान भटकता है वो उसी में भटकता है, पीडीएफ, रोज क्लास कब होती है, इंग्लिश वीक है, इसी तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। तो देखो, द स्टडी ऑफ, स्टडी किसकी है? इस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की, इसकी स्टडी की बात की गई है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स इंगेज रहे हैं पिछले दशक में। अगला क्वेश्चन क्या है? हिज मास्टर्स थीसिस वाज हाईली एस्टिमेटेड एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। उसकी जो थीसिस थी, उसने जो शोध किया हुआ था, उसने जो तैयारी की हुई थी, वाज हाईली एस्टिमेटेड, जो कि बहुत अच्छी तरह से एस्टिमेटेड थी, तो क्या होना चाहिए? वाज हाईली डिस्कस्ड, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। वाज हाईली कमेंडेड, बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी। इज हाईली अप्रेज्ड, बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई थी। या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखो, कई बार क्या होता है कि अगर हर जगह पर उसी की चीज छप जाए, अब भाई पब्लिकेशन के लिए चीजें तैयार हैं, पब्लिकेशन के लिए अगर चीजें तैयार हैं तो इसका मतलब है कि वो हाईली कमेंडेड है, बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाज हाईली कमेंडेड, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज की तारीफ करना, बहुत ज्यादा तारीफ मिलना। फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, फिल्मों के क्या दिखाए जाते हैं? फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, और फिल्मों के ट्रेलर जब बहुत ज्यादा तारीफ की जाती तो लोग उम्मीद लगा लेते हैं यार ये फिल्म बड़ी अच्छी जाएगी, ये फिल्म हिट होने वाली है। तो सही जवाब क्या है? वाज हाईली कमेंडेड। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। देख लेना, हो सकता कोई गलती ना भी हो इसमें, देख लीजिएगा, हो सकता कोई गलती ना भी हो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है? नो सूनर के साथ आता है देन। किसका यूज करते हैं नो सूनर के साथ? देन का यूज करते हैं। तो नो सूनर के साथ देन आया हुआ है, ये वाला देन आता नहीं है, वेन आता नहीं है, सी बिगेन टू टेक सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। वो इन्फिनिटिव यूज हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है, नो सूनर के साथ जो पेयर आता है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो आंसर है, ये आंसर आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रेसिशन एंड पजेस ऑरिजिनेलिटी। ऑप्शंस हैं, मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, मस्ट बी पजेस प्रेसिशन एंड ओरिजिनल, मस्ट बी प्रेसिशन एंड पजेस ऑरिजिनेलिटी, या नो इम्प्रूवमेंट। ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। अ गुड स्कॉलर, एक जो अच्छा विद्वान होता है, जो किसी चीज का अच्छा जानकार होता है, मस्ट बी प्रिसीजन एंड पजेस ऑरिजिनेलिटी। एक तो उसको संक्षिप्त रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम चीजों से मतलब रखना चाहिए, एंड पजेस ऑरिजिनेलिटी,
हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दिखावा करे, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से वो बात करे, हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहिए। तो क्या करेंगे इसका आंसर देख लो, एक बार थोड़ा समझदारी भरा क्वेश्चन है। मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, उसी प्रिसाइज मतलब संक्षिप्त होना चाहिए और ओरिजिनल वास्तविक रूप में दिखाई देना चाहिए, वास्तविक रहना चाहिए। मस्ट बी पजेस प्रिसीशन एंड ओरिजिनल, उसे अपने अंदर संक्षिप्तता को लागू रखना चाहिए या अधिकार बनाए रखना चाहिए। भाई प्रिसीजन का कोई अधिकार तो नहीं होता है, यह भी फिर गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में पजेस आया हुआ है। सही जवाब मस्ट बी प्रिसाइज, उसे प्रिसाइज होना चाहिए मतलब संक्षिप्त होना चाहिए और साथ ही साथ ओरिजिनल वास्तविक रूप में दिखा आना चाहिए उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने होंगे। क्या होंगे आपके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जो किताबों को बहुत प्यार करता हो उसे क्या बोलेंगे। देखो उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोग्राफर पुस्तक लेखन करने वाला, पुस्तक लिखने वाला। ठीक है, बिब्लियोजिस्ट की बात करें तो बिब्लियोफेगिस्ट, कोई सुटेबल वर्ड नहीं है। अगर इसका मीनिंग आपको पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जरूर लिख के हमें बताइए, क्योंकि फिलहाल ये मेरे दिमाग में नहीं है। बिब्लियोफोब, ये भी मेरे दिमाग में नहीं। बिब्लियोफोबिया अगर होता तो हम कह देते कि भाई जिसको किताबों से डर लगता हो। जरूरी नहीं हर वर्ड आपका सुटेबल ही हो, कई बार हम गलत तरह के वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, कई बार हम गलत तरह के वर्ड्स के में भी उलझ जाते हैं। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा बिब्लियोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोलना, बिना तैयारी के बात करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेलिबरेट, फ्लुएंट, लोकेशियस या एक्सटम्पोर। जो बिना तैयारी के बोले, जो बिना तैयारी के स्पीच दे, बिना तैयारी के भाषण दे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं एक्सटम्पोर। क्या बोलते हैं, एक्सटम्पोर। डेलिबरेट का मतलब होता है अंधाधुंध बिना रुके, जिसे कह सकते हैं। फ्लुएंट भी होता है बिना रुके। लोकेशियस कहते हैं ज्यादा बोलने वाले को, जो कैसा हो, जो ज्यादा बोलने वाला हो, बाचाल टाइप का इंसान हो, पटर पटर करके रह जाए, उसे बिना तैयारी के जो आता है वो आपका कहलाता है एक्सटम्पोर। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के हेड के द्वारा कोई एक स्पेशल ट्रायल लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इम्पिगमेंट, इन्फ्रिजमेंट, इम्पीचमेंट या इम्पीडिमेंट। ये वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, इन सभी वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आप लोग एक काम करते हो कि आपसे कहते हैं कि ऑनलाइन कमेंट कम किया करो, ऑफलाइन कमेंट किया करो। आज वो वक्त है जब आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके अपनी बात हमसे कह सकते हैं। दरअसल इसे कहते हैं स्पेशल ट्रायल, इम्पीचमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है ड्रिल, जो आती है ना किसी चीज की तैयारी करने के लिए, परीक्षा ली जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, परीक्षा ली जाती है जब किसी चीज की, उसके लिए यूज करते हैं। इम्पिगमेंट की बात करें तो बांटना किसी चीज को, इन्फ्रिजमेंट की बात करें इसका मतलब भी होता है बंटवारा करना, और इम्पीडिमेंट की बात करें तो सहयोग करना। क्या करना, सहयोग करना। सही जवाब आपका क्या हो जाता है, सी इज राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से काम कर लेता हो उसे क्या बोलेंगे, एम्बिवेलेंट, एम्बिफीवियस, एम्बिगुअस और एम्बिडेक्स्ट्रस। उसे कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस,
बामस्त कह सकते हैं, दोनों हाथों से काम करने वाला, जिसे शुद्ध हिंदी में समझो, दोनों हाथों से काम करने वाला। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिवेलेंट की बात करें, जो दोनों जगह रह सकता हो, दोनों प्रकार के लोगों के साथ रहने वाला, उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एम्फीबियस, इसका मतलब जो दोनों जगह जल और थल दोनों में रह सके, उभयचर जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर। और एम्बिगुअस की बात करें तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर जो होता है उसे एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सबसे आसान क्वेश्चन आज के लेवल पे देखा जाए तो, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई देखने को मिलेगा। क्योर फॉर ऑल डिजीजेस मतलब एक ऐसी चीज जो सभी बीमारियों में काम आ जाए, जिसे क्या बोलते हैं? पेनासिया, रामबाड़ इलाज, रामबाड़ इलाज। अगर हम देखें क्यूरेबल, इलाज के योग्य, क्यूरेबल मीनिंग क्या हो जाएगा? इलाज के योग्य। इनक्यूरेबल, लाइलाज जिसे कहेंगे। ठीक है, क्यूरेटिव की बात करें तो क्यूरेटिव कहते हैं देखभाल करने वाले को, देखभाल। ठीक है, तो आंसर आपका पेनासिया हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा क्रियाकलाप जिसमें हम पुरानी चीजों की तरफ जाएं, पुरानी पीछे की ओर लौट जाए। ठीक है, पुरानी चीजों पर ध्यान दें, उसके लिए क्या बोलेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव, पोस्ट नेटल, रेट्रोग्रेसिव या प्रिमिटिव, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार होने चाहिए। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिमानव, रेट्रोग्रेसिव की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वापस लौटना किसी चीज में, वापस लौटना। पोस्टनल की बात करें, इसका भी मतलब होता है पीछे की बात सोचना, पीछे की तरफ जाना। और रेट्रोस्पेक्टिव होता है पुरानी यादों में लौटना, पुरानी यादों में, या फिर हम कह सकते हैं पुराने रूप में लौटाना, पुरानी यादों में खो जाना, उसको तो हम नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं। ठीक है, तो पुराने रूप में लौट आना, उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मेडिसिन टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, तो एक ऐसी दवा जो जहर को खत्म करने का काम करे, जो जहर को मारने का काम करे, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इमेटिक, एंटीडोट, एंटीविनोम और एंटीसेप्टिक, जो जहर के काम करे, जहर का विरोध करे, जहर को खत्म करे, उसे कहते हैं एंटीडोट, जहर को खत्म करना। क्या करना? जहर को खत्म करना। इमेटिक की बात करें तो नकली, एंटीविनोम ये भी हो जाता है जहर का विरोध करना, लेकिन जहर विरोधी ये दवा नहीं है वो। एंटीसेप्टिक, संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ से फ्यूचर में आप लोग अपने नोट्स जो तैयार करते हो उन नोट्स को मजबूत कर सकते हो और नोट्स को हमेशा के लिए स्ट्रांग बना सकते हो। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम अपना कौन सा है? एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल। टेलीग्राम कौन सा है? एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल, ये अपना टेलीग्राम है। और उसी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, किसी भी सेशन की इंपॉर्टेंस इस बात से नहीं होती है कि आपके कमेंट्स पढ़े गए या नहीं पढ़े गए, किसी भी सेशन की इंपॉर्टेंस होती है कि आपको सीखने को कितना मिला, आपको पढ़ने को कितना मिला, क्या आपका टाइम तो नहीं बर्बाद हुआ, टाइम आपका यूजफुल रहा तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कम से कम कमेंट्स करके ज्यादा से ज्यादा मेरी बात को सुनने, समझने और सीखने का प्रयास किया करें, उसी से फायदा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया था तो एक बार लाइक कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो 31 मार्च को आपके लिए महाकुंभ आ रहा है 40 कोर्सेज का,
YouTube पर 40 फ्री कोर्सेज का, तो उसे एक बार 31 मार्च को जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सारी चीजों को समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद।